दोस्तों, ये है अंडमान जेल के अंदर में की कार्यशाला कि कैसे जेल में जो कैदी लोग हैं उससे क्या काम कराया जाता था, ये आप देखिए। कार्य तेल निकालना, रस्सी बनाना, नारियल के छिलके आदि जो है सामना करना पड़ता था। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि उनको क्या क्या करना पड़ सकता था। और यहाँ पे देखो, तेल निकालना, कोल्लू से घानी से तेल निकालना, तेल की घानी, अभी आप देख सकते हो ये तेल की घानी, ठीक है। यहाँ पे तेल निकाला जाता था, आप देख सकते हैं ये इस तरह से तेल यहाँ पे इकट्ठा होता था। आज भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ जैसे ऑयली है जगह, पत्थर भी अजीब सा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये कुछ औजार औजार बनाना, ऑयली मिल, ये कुछ छेनी के जैसा है, समाने का चक्की है, चक्की देख सकते हैं आप, इस तरह का स्वतंत्रता सेनानियों ने जुगाड़ झेला है, ऐसा झीता है। इसके ऐसा घूमने से अभी भी स्मूथली घूम रहा है ये। इससे क्या बनाते थे, क्या करते थे, कुछ तो मुझे तो रस्सी वस्सी का कुछ काम करते होंगे। गाने आप देख सकते हैं इस तरह से अंदर का नज़ारा, ये ऐसा कैदियों के गले में पिल्ला नंबर जैसा बांधे होते थे। सलूट है आप लोगों को कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या झेला हम लोगों के, देश को आज़ाद कराने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से पैरों के अंदर में इस तरह से डाल के और इस तरह से इनको लटका देते थे अंग्रेज लोग, और फिर कोड़े वोड़े तो भी है मारते थे। ये शर्ट देखो लेके रखा है इसने, अंग्रेजों के जमाने के जैसे लोहे की, ये अभी तो इनके हाथ में मतलब क्या रस्सी जैसा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस बार, हिलर्स, सलूट है इनको, सलूट। देखो देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने कैसे हंसते हंसते फांसी को कबूल कर लिया, बार हिलर्स। और ये इनकी ड्रेस होती है पुनिशमेंट ड्रेस, अगर किसी को पनिशमेंट देनी होती थी तो ये गोने की बनी हुई है, इससे ये ड्रेस पहननी होती थी। चैन फिल्टर्स ऐसे तरह का, ये खूबसूरत नज़ारा आपने देखा, आनंद आया होगा बहुत। इनको देखने से लगता है क्या क्या यातनाएं झेली उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए। सैल्यूट है इनको और हमारे देश के आज़ाद भारत के सभी भारतवासियों को, जो हमारे पूर्वजों ने हमें खूबसूरत देश देने के लिए फांसी पे लटक गए और इस सेलुलर जेल का सजा काटा।